बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पापो टाउन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सर मंजूर, आपकी खिदमत में हाजिर। बात आज ललतराग की करते हैं, जिसे अब ललतराग पार्क के नाम से जाना जाता है। ललतदेद जो एक बुलंद पाया सूफिया थी, जिसकी वजह से वहां एक तालाब बन गया और जिसको मुकद्दस माना जाता था, 90 की दिहाई तक पूरी वादी में मशहूर था। मगर 90 की दिहाई के आसपास ललतराग में गलाजत बढ़ जाने की वजह से उसकी बराई करके एक पार्क की शक्ल दी गई। म्युनिसिपल कमेटी पापोर की जानिब से पार्क को जाज़िब नज़र बनाने के लिए एक बिल्डिंग तामीर करने के साथ साथ उसकी हदबंदी और बच्चों के लिए तफरीही सामान भी नस्ब किए गए। अगरचे अवामी हलकों में इस काम की पजीराई की गई थी, मगर वक्त रहते म्युनिसिपल कमेटी की अदम तवज्जी की वजह से इस पार्क को नए सिरे से तामीर करने का मकसद ही फौत हो गया। नमलबल और द्रंगबल के जी इज्जत शहरियों ने म्युनिसिपल कमेटी पापोर से नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि जिस मकसद से इस पार्क को अजसरनो तामीर करने के लिए जर कसीर खर्च किया गया, वो मकसद अब पूरी तरह से फौत हो चुका है। मकीनों का इल्जाम है कि मजकूरा महकमा की अदम तवज्जी की वजह से ललतराग, जिसे एक वक्त मुकद्दस माना जाता था, अब बेहयाई का अड्डा बनता जा रहा है। जबकि शाम के अक्सर अवकात में इस पार्क में नशा करते हुए नौजवानों को देखा जाता है, जो हमेशा आपस में झगड़ा करते रहते हैं। लोगों का कहना है कि शाम के वक्त पार्क में टहलना तो दूर की बात, अब दिन में भी पार्क में जाने से डर लगता है। गौरतलब बात है कि पार्क के साथ ही एक स्कूल भी है, जिसके बच्चे भी अब पार्क में खेलने से घबराते हैं। लोगों का ये भी कहना था कि बिल्डिंग किस वजह से तामीर की गई आज तक मालूम न हो सका, और तमाम तर नस्ब करदा सामान व कुर्सियां नुकसान की शिकार हो चुकी हैं। वाटर लॉगिंग और ड्रेनेज की सफाई न करना लोगों के लिए बाइस अजाब बन चुका है। मजीद लोगों का इस हवाले से क्या कहना था, आइए सुनते हैं। इस ललतदेद पार्क बनाव ना एडमिनिस्ट्रेशन कम जन जमींदार म्युनिसिपलिटी हिंद अथॉरिटीज तमो बनो यह बनो पज पे बनो एसेट अत मगर तमो थो न केयर टेकर ये मज कन पे लुक आफ्टर कर क्या क्या मगर सान खुद बनो वनकस यह न्यूसेंस पब्लिक न्यूसेंस कि हाँ शाम दोहस पकित ये ये पर्पज उस सह गो फोद कम्प्लीटली यूजन ये वे अगर ये वो ना ये कैसा वाकर वाटर लॉगिंग ना मेंटेनेंस ये बिल्डिंग बिल्डिंग से ये बन अमुक पर्पज छ पत क्या जन दार अमिक तम फुट मे दरवाज से फुटरम कुर्सी फुट ये बेंच ये पज पे दिवान ब्यूटिफुल लुक अमसा तुम गोडनेथ अब शायद ये बनाव ये कर मेंटेन पूर पे फ्लोवरिंग करनस बाकी चीज करनस ये बन बाग अत कम से कम लकट बच्चा ये करा यमो बन ये बच्चन हंद खर राइडस बच्चे तरह इस्तेमाल मगर कोर नमो यु जन पर्पज सोर नमो पूर पे यह अंजाम दुक न कह सान खुद बनो यह बोड बार न्यूसेंस ये ड्रग एडिक्टस बिहत यार्क मज बेस बाकी जन दोस स्टूडेंट्स यह पी न तुम सकूल खुद ना दोस एंजॉय करा ये यम एंजॉय करा ये मजन तरान फिक्र तम पेरेंट्स यमन सत्या लड़की तड़के बैग हेतान यह पी न तम कम पेरेंटन तम पेरेंट पन पता आसान बच्चे सोजान सकूल अच्छा पज पे तम कर सकूल ग बेकुन जाए एंजॉय करा ये जन नजदीक नजदीक जन महल वाल तम हाँ इवन दारे कि वुचित तुत माहौल बनोमुत ये बिल्डिंग जन ये बनोम यह जोर बिल्डिंग प्लस एटिक अत बड़ ब्यूटिफुल बन मगर इस पर्पज उस ना सह गो नो अंजाम दुक न कहें अत ग बुक्स ग्यूज पेपर गसन टेबल गसन बाबत गोस लाइब्रेर अत मन जन सुबह शाम अत या दोस आन ये गोसन टेक ओवर कर म्युनिसिपलिटी तथ पा कि यम कर मेंटेन ये केयर टेकर गोस फ्लावर बेडस गे आन बन जन बासा ना यह पज पे शानदार अ चीज यह थोक ललदेद हिंदिस नावस पे मगर बनो यह महल वाल खुद सारे लुकन हंद खुश न्यूसेंस जन असान अम खुद बेटर कि यम कर लॉक ये सारी क्लोज कर जन ये गई वाटर लॉगिंग ईचा कि अच्छा हेकान बच्चे बच्चे जन दपा बह गा ये सो हे गिंद कह राइडस बच्चन हंद खुम बेकार कम्प्लीटली बेकार तो अथॉरिटीजन कर
रिक्वेस्ट कि तम नि कॉग्निजेंस अमिक तम वो यहाँ क्या दलील फमवार यह बिल्कुल डिफंक्ट अत सोरे नमुत यह नलक वलक बा चीज फमवार लाइट तम कर एडमिनिस्ट्रेशन करे असल काम मगर तमो कोर मेंटेनेंस कहें पुरजोर अपील कर म्युनिसिपल कमेटी यमो जन टेक ओवर कोर या तहसीलदार साहबस करान सी करेक्टिव स्टेप्स ये खातर एक्शन नी ये खातर जनाब बो रिक्वेस्ट करान यम जन ये लाल दैदी नागस पे त्रागस पे बनो ये मतलब नावस पे त्राग बनो ये जन योर अमीर कबीर तमु सू त्राग जन बुजुर्गन हूँ त्राग पत करे चाहे म्युनिसिपल कमेटी कोर कमो कोर ये दोप यह बनाओ पारक पत हा गए सठा खोश ना दोप ये बन पारक मगर ये बनो सो मसल ये सान बचन सान कोर सान लड़कियन बना नेरुन कह ये जन मतलब शाम से लड़का वन नशावर लड़का सान कोर बना नबर नेरुन कह बो रिक्वेस्ट करान यमन मेहरबानी करित मेहरबानी करित अगर यमन ये बनावन पारक या तो करन काम या करन कुलुब नत करन दीवार बंदी या थन बाबत थन चूकदर इस जन मतलब योर सान कोर शाम हेकान नीरत सान माज हेकान नीरत ये टोटल बनान सान बचन तेरुन कह मेहरबानी करित मैं इस वक्त कस्बे पांपुर महले द्रंगबल में एक पारक वाक़ा है जो अरसे दराज से ललतरा के नाम से मशहूर थी लेकिन वक्त गुजरने के बाद वक्तन फवक्तन इंतज़ामिया कमेटी ने इस ललतरा को लल आरफा पार्क में तब्दील किया और इसका तामीर भी किया और अच्छी तरह से तामीर किया। इस पार्क में एक लाइब्रेरी रूम कायम किया गया जो अच्छा खासा तामीर किया गया, उसके साथ साथ बच्चों के खेलने कूदने के लिए यहाँ पर बहुत सारे टूल्स लगाए गए, बच्चे अच्छी तरह से आते थे यहाँ पे और खेलते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ पे जो टूल्स लगे हुए थे वो टूट गए और यहाँ पे जो कस्बे पांपुर खासकर यहाँ पे महले द्रंगबल के जो भी औरतें मर्द शुगर मर्ज में मुबतला थे या दूसरी बीमारी में मुबतला थे आते थे और सुबह शाम यहाँ पे वॉक करते थे। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे लड़कों का आना शुरू हो गया, लड़कियों का आना शुरू हो गया और उसका नतीजा ये निकला कि यहाँ पे लड़के ड्रग्स में मुबतला हो गए और उसके साथ साथ लड़कियों का आना भी हुआ और इनका मिलना जुलना यहाँ पे हुआ, तो जिससे इसके महले में सारा माहौल बिगड़ गया। ये महल वाल अंद पे बसान नशे कोर माज बे तम से हेकान ये पार्क मे वस्त तेज ये लड़कन हूँ तूत अ झुंड तम ग्रुप बंदी गम तम से नशावर चीज करान तो बाक चीज करान तो नतीज द्राव ये कि नशे कोर तम से योकर वन नशे सोन बच्चे हेकान योर ये अच्छा बोड़ बार वजह यम जन टूल्स लगाम बच्चों के खेलने कूदने के लिए वो सब टूट गए हैं। सबसे बड़ा मसला है म्युनसिपल कमेटी ने कस्बे पांपुर में मेरे लिहाज से सबसे अच्छा और बेहतरीन काम किया था कि कस्बे पांपुर में यहाँ पे एक ये पार्क तामीर की गई। लेकिन यहाँ पे जो माहौल बना इसका ये जो बस्ती के आसपास जो रिहायशी पजीर है इनका जीना अब यहाँ पे दुश्वार हुआ है क्योंकि ये जो लड़के आते हैं झुंडों में आते हैं यहाँ पे आपस में लड़ाई करते हैं, लड़कियों के साथ घुल मिल जाते हैं और फिर छुरी जनी हो जाती है। लिहाजा चुस इंतजामिया कमेटी वन एस्पेशली म्युनसिपल कमेटी तेज ज्यादा पहन जिम्मेदारी तमो तमीर कर कमेटी ये पार्क मगर ये पार्क गोश आसन देख रेख करने वाला इस पार्क का कोई नहीं। अगर देख रेख करने वाला कोई होता तो यहाँ पे कम से कम सब कुछ ठीक रह जाता, लेकिन देख रेख करने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। सब ये जो दीवार बंदी की गई है, पंजरा लगा हुआ है, सब टूट गए हैं, कुर्सियाँ लगी हुई हैं वो भी टूट गई हैं, जो भी टूल्स लगे हैं वो सब भी टूट गए हैं। अब म्युनिसिपल कमेटी पर ये जिम्मेदारी है, ये जो लाइब्रेरी रूम यहाँ पे इन्होंने तामीर किए हैं, लड़कों के आने से यहाँ पे झुंड में आ रहे हैं वो यहाँ पे ड्रग्स करते हैं
और शराब बाकी चीज़ करते हैं, तो सब कुछ जला के राख कर दिया है उन्होंने। इस बिल ये खिड़कियाँ भी तोड़े हैं, ये दरवाजे भी तोड़े हैं, सब कुछ तहस नहस कर दिया है। इसलिए इंतजामिया कमेटी से हम मुजिबाना इल्तमास करते हैं, ख़ास कर ये महला जो है या इसके गिरदनवा में जो भी लोग रहते हैं, हम पुरजोर इल्तमास करते हैं इस कमेटी को, कस्बे पांपुर जो म्यूनसिपल कमेटी है उसको मुजिबाना इल्तमास है कि वो इसकी देख रेख करने के लिए और इसको मजीद तामिर करने के लिए, मजीद मरम्मत करने के लिए, इस ये जो यहाँ पे ये जो यहाँ पे हमें मुसीबत, यहाँ मुसीबत आई है, एक किस्म का मुसीबत है कि इस महला वालों के खासकर, क्योंकि लड़कियों का बाहर निकलना दुश्वार हुआ है, उसे निजात दिलाएं और इसको तामिर करें और इसकी देखरेख के लिए कोई इंतज़ाम करें। उम्मीद है लोगों की ये आवाज़ आला हुक्काम तक पहुँच जाएगी और इस मसले का कोई ना कोई हल निकाला जाएगा, ताकि ललतराग पार्क और आसपास के रिहाइश पजीर लोग राहत की सांस ले सके। अपने मेज़बान मुदस्सर मंजूर को दीजिए इजाज़त, आपको और हमारा अल्लाह निगहबान।